बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठी फिल्म में नाबालिगों से जुड़े अश्लील दृश्य के मामले में फिल्म मेकर महेश मांजरेकर को गिरफ्तारी या किसी दंडात्मक कार्रवाई से राहत देने से साफ साफ इनकार कर दिया है। महेश मांजरेकर की जो फिल्म है जिसमें अश्लील दृश्य दिखाए गए थे, उस फिल्म पर कार्रवाई हुई थी। इस फिल्म पर केस भी दर्ज हुआ जा चुका है, जिसके बाद महेश मांजरेकर की मुश्किलें बढ़ गई है, जिसके चलते महेश मांजरेकर ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाए। लेकिन इससे साफ साफ जो कोर्ट है उन्होंने इनकार कर दिया है कि क्योंकि फिल्मों में कई दृश्य दिखाए गए हैं, नाबालिगों को लेकर, महिलाओं को लेकर कई अश्लील दृश्य दिखाए गए हैं। इसके साथ ही जो फिल्म के कह सकते हैं जो फिल्म के लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन जो नाबालिग लड़कों के साथ है ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, उन्हें सिर्फ कला के माध्यम से, इस फिल्म में सिर्फ कला दिखाई गई है। लेकिन इस फिल्म में जो दृश्य है वो काफ़ी आपत्तिजनक है महिलाओं और नाबालिगों को लेकर। इस वजह से अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। 28 फरवरी को हालांकि मामले की सुनवाई होने वाली है। वहीं कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि महेश मांजरेकर को किसी भी तरह की राहत नहीं मिलेगी।